कि मुझे थाने जाना चाहिए बलि की बेल करवाने के लिए। क्यों बाबा जान, क्यों आप क्यों थाने जाएंगे उसकी बेल करवाने के लिए? भूल गए आप कितनी बदतमीजी की थी उसने आपसे? दानियाल, इस वक्त हमारी कंपनी की साख का सवाल है। बलि का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये बात मीडिया तक चली गई तो हमारे खानदान की बदनामी होगी। माजरत के साथ बाबा जान, लेकिन ये ज्यादती है। आप हमेशा बलि की यूं ही हिमायत करते हैं। फल तो मीडिया तक ये बात पहुंच चुकी होगी, और अगर नहीं पहुंची होगी तो इस बार मैं खुद पहुंचा दूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक तो कह रहे हैं ये। बलि को भी तो एहसास होना चाहिए ना कि खानदान की क्या अहमियत होती है जिसे वो ठोकर मार कर गया है। वैसे उसने कुछ हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है जो हम उसे याद रखेंगे। इस वक्त मुझे अपनी कंपनी बचानी है नरमीत। बलि के अरेस्ट का सुनकर कौन हम पे ट्रस्ट करेगा? कौन इन्वेस्ट करेगा हमारे साथ फ्यूचर में? बाबा जान, आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? मैं हूं ना, कारोबार पहले भी मैं ही संभाल रहा था, अभी मैं ही देख लूंगा। और वैसे भी मेरे सारे क्लाइंट्स को ये बात बता दी है कि बलि अब हमारे साथ काम नहीं कर रहा। सो इसलिए अगर इस वक्त हमने अपने आप को बलि के साथ एसोसिएट किया तो बदनामी हमारी और हमारे कारोबार की ही होगी। आप समझ रहे हैं ना? तुमने सुना अकबर हुसैन, बलि को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। जी भाभी बेगम, मुझे दालिया ने बताया। तो आप गए उसको छुड़ाने के लिए? अपने वकील से बात की, उसको छुड़ा के लेकर आए? जी मैंने बात की है, वो अभी मुझे रिपोर्ट देंगे थोड़ी देर में। वैसे हैरत हो रही है भाभी बेगम, आप अभी भी वली के लिए इतनी फिक्रमंद हो रही हैं? उसने आपके साथ कुछ अच्छा सलूक तो नहीं किया? नरमीन, औलाद गलतियां करती है लेकिन माँ बाप को अपना दिल बड़ा करना होता है। इस वक्त वली को हमारी सख्त जरूरत है। कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती भाभी बेगम। वैसे माजरत के साथ, अब अकबर और दानियाल के दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो मुझे नजर आ रहा है, तुम सबके तो खून सफेद हो चुके हैं। ठीक है, तुम लोग सब छोड़ दो मेरे बच्चे को, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद अकेली जाऊंगी थाने। अब भाभी बेगम, जाने दीजिए बाबा जान, जाने दीजिए। ताईजान को भी पता चलना चाहिए कि उनका बेटा जो गुल खिलाता है उसके नतीजे क्या होते हैं। अच्छी बात है, जिंदगी में पहली बार उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वली के कारनामों की वजह से हम सबने क्या भुगता। प्लीज़।